स्वागत है। हम श्रवण कर रहे हैं शास्त्रों के विषय में। पिछले पाठों में हमने श्रवण किया कि कितने प्रकार के शास्त्र हैं। मुख्य एक वेद रहता है। एक वेद का विभाजन चार भागों में किया जाता है। साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस प्रकार से चार भागों में इसका विभाजन किया जाता है। और इनको समझने के लिए वेदव्यास मुनि वेदांत सूत्र की रचना करते हैं। और वेदांत सूत्र भी समझ में नहीं आते हैं, इसलिए फिर उन्होंने इतिहास पुराण की रचना करते हैं। तो उपनिषद और इतिहास, इनके विषय में हमने पिछले पाठ में श्रवण किया। और फिर सत्रह पुराण की रचना करते हैं। पुराणों में कितने अध्याय, कितने श्लोक, ये चर्चा हम पिछले पाठ में कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के विषय में। भागवत किसने लिखा, कहाँ लिखा और क्यों लिखा है, ये सारे हम चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ भागवत कथाएँ हुई, हम सुनते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी करते हैं, सुत गोस्वामी भी, सनत कुमार इत्यादि। तो ये सारा कहाँ कहाँ कब कब हुआ, इन सारे के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम वेदव्यास ऋषि, ये पिछले जितने भी शास्त्र का हमने वर्णन किया सुना, ये सब लिखने के बाद भी उनका मन संतुष्ट नहीं था। नारद मुनि आकर बताते हैं कि आप भागवत की रचना की करो। तो फिर भागवत की रचना करते हैं। इनके साथ में जेमिनी ऋषि और श्री गणेश जी, ये दोनों मिलकर बद्री का आश्रम में, जहाँ वेदव्यास ऋषि अपनी पत्नी के साथ रहते थे, वहीं पर वेदव्यास ऋषि ये भागवत की रचना करते हैं। इनके साथ में गणेश जी और जेमिनी ऋषि रहते हैं। तो भागवतम के अंदर सर्वप्रथम वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक की रचना की, और इन 18,000 श्लोकों को 12 खंडों में विभाजित किया। उनको बोलते हैं 12 स्कंद। टोटल 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, 315 इसके अंदर अध्याय हैं टोटल, और 5,576,000 इसके अंदर शब्द है, 1,276 इसके अंदर वाच्य है। ये भागवत के अंदर बहुत ही बड़ा विशाल काय इन्होंने ग्रंथ लिखा, और बद्री का आश्रम में वेदव्यास जी लिखे हैं। इनके साथ में कौन थे, गणेश जी और जेमिनी ऋषि। क्योंकि इतने सारे ग्रंथ लिखने के बाद में भी उनका मन संतुष्ट नहीं था, क्योंकि जहाँ जिस प्रकार से जो पुराण लिखा उनके अंदर कपटता का वर्णन था, लेकिन ये निष्कपट ग्रंथ है। किसी भी प्रकार के कपट धर्म का वर्णन ये जो भागवत लिखे हैं इसके अंदर कोई वर्णन नहीं हुआ है। तो विशुद्ध शुद्ध सात्विक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की, और इस ग्रंथ को सर्वप्रथम अपने ही पुत्र अर्थात अपने शिष्य सुखदेव गोस्वामी को इसका पठन कराया, इसका ज्ञान प्रदान किया, इसी का श्रवण करवाया। तो भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 315 अध्याय, 5,576,000 शब्द हैं, 1,276 वाच्य हैं, और कुल भागवत की तीन परंपराएं हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद ऋषि ने वेदव्यास मुनि को ज्ञान दिया, और वेदव्यास मुनि अपने सुपुत्र सुखदेव गोस्वामी को यह भागवतम का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और सुखदेव गोस्वामी ने
परीक्षित महाराज को सुक्ताल क्षेत्र में अनेकों ऋषियों के सानिध्य में सुक्ताल में इसका कथा श्रवण करवाया और वहीं सुक्ताल में सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुत गोस्वामी ने सुना और यही सुत गोस्वामी आगे चलकर आकर नैमिषारण्य के अंदर यह भागवत का सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को जिनकी संख्या 88,000 थी उनको यह ज्ञान प्रदान किया। यह प्रथम परंपरा। द्वितीय परंपरा, भगवान शंकरषण ने सनत कुमार को ज्ञान दिया। शंकरषण जी ने सनत कुमारों को, जो चार कुमार है, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार भाइयों को, जो भगवान के मानस, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, भगवान के अंश अवतार हैं, ये चतुर कुमार को सर्व ज्ञान प्रदान किया। चतुर कुमार ने सांख्यायन मुनि को ज्ञान प्रदान किया। सांख्यायन मुनि ने पराशर ऋषि को ज्ञान प्रदान किया और पराशर ऋषि ने मैत्रेय मुनि को ज्ञान प्रदान किया और मैत्रेय ऋषि से फिर विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र के अंदर यह शुद्ध भागवत दिव्य ग्रंथ का श्रवण किया। और तीसरी परंपरा, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी से फिर शिव जी प्राप्त किए और शिव जी अनेकों ऋषि मुनियों को यह ज्ञान प्रदान करते रहते, जैसे कुंभ जी का हुआ। तो सर्वप्रथम होता है भागवत, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुकरताल में श्रवण करवाते हैं। तो जब भगवान अपनी सारी लीलाएं समाप्त करके अपने धाम में चले गए तो भगवान के जाने के 30 वर्ष के बाद भाद्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से प्रारंभ करते हैं यह भागवत, राजा परीक्षित को श्रवण करवाते हैं सुक्ताल क्षेत्र में। दूसरा, चतुर कुमार भक्ति ज्ञान और वैराग्य को श्रवण कराते हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में चतुर कुमार, सनत, सनातन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई मिलके भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा श्रवण करवाते हैं। ये कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर, जब कलयुग प्रारंभ हुआ और उसके 30 वर्ष बीत गए उसके बाद में श्रवण करवाया। कार्तिक मास का समय था, शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि। और फिर तीसरा, गोकर्ण जी अपने ही भाई धुंधुकारी को ये भागवत का श्रवण करवाते हैं। सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि क्या सुनाया जाए, तो भागवत सुनाओ, तो धुंधुकारी को ये भागवत सुनाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनवाया उसके 200 वर्ष के बाद, 200 वर्ष बीत गए उसके बाद में श्रवण मास शुक्ल पक्ष की प्रथम प्रतिपदा, प्रथम तिथि से सप्तमी तक यह भागवत का ज्ञान दिया और अंत में सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के अंदर 88,000 ऋषि मुनि जिसमें से प्रधान शौनक आदि ऋषियों को यह ज्ञान प्रदान किया। तो इस प्रकार से चार जगहों पर भागवत हुआ है जो बहुत फेमस है। सुख परीक्षित संवाद, गोकर्ण धुंधुकारी संवाद, चतुर कुमार भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद मुनि के सानिध्य में जो हुआ और अंत में सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में सुख शौनक आदि ऋषियों का संवाद। ये चार फेमस है चार। और इन्हीं भागवतम के अंदर 10 विषय वस्तु का वर्णन हुआ। अतः सर्ग विसर्गस्त स्थान पोषण उति मनवंतरा निरोध मुक्ति आश्रय, 10 विषय वस्तु का वर्णन हुआ है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर वंश निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 विषय वस्तु का वर्णन भागवत के अंदर हुआ है। भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, तेने वांग्मय मूर्ति, भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण है, तीसरे और चौथा स्कंद भगवान का कमर का नीचे वाला भाग है और पांचवा स्कंद भगवान की नाभि है, छठा भगवान का वक्षस्थल है, सातवा और आठवा भगवान की भुजाएं हैं, नौवा भगवान का कंठ है, दसवा मुखमंडल है, ग्यारहवा भगवान का बाल है और बारहवा स्कंद भगवान का तिलक है। इस प्रकार से तेने वांग्मय मूर्ति रूप है, कोई अलग नहीं है, श्री भगवान ही भागवत के रूप में इस कलयुग के अंदर प्रकट हुए हैं।
क्योंकि भगवान जब अपने धाम में जा रहे थे तो भक्त लोग इत्यादि पूछे कि प्रभु आपके जाने के बाद में क्या होगा इस संसार का, इतने सारे जीवों का, आपके भक्तों का क्या होगा। तो कहे कि मेरे जाने के बाद में मैं ही भागवत के रूप में प्रकट हूँगा। तो भगवान ही भागवत के रूप में प्रकट हुए, साथ भगवान ही है। जैसे भगवान अपने धाम में रहते हैं विग्रह रूप में रहते हैं, वैसे यहाँ शब्द रूप में है, श्लोका शतार्थ शब्द रूप में, इसलिए भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। हरे कृष्णा।